नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। रविवार को तीर्थ नगरी ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में बढ़ रही कर की समस्या को लेकर तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर आने वाले श्रद्धालुओं व अस्थियां विसर्जन करने वाले व्यक्ति को हो रही परेशानियां, जिसके संबंध में आज गढ़मुक्तेश्वर उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार द्विवेदी व क्षेत्राधिकारी पवन कुमार व थाना अध्यक्ष रघुराज सिंह के समक्ष एक बैठक का आयोजन किया गया, और जिसमें दाह संस्कार, लकड़ी प्रति रुपए कुंटल जैसे कर की समस्याओं को लेकर सभी तीर्थ पुरोहित व नाविकों को सचेत करते हुए कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्ति से सिर्फ निर्धारित धनराशि वसूल की जाएगी। अत्यधिक यदि कोई धनराशि मांगता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी के समक्ष तीर्थ नगरी ब्रजघाट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में जो नाविक हैं, जो दाह संस्कार कराने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें सचेत करते हुए कहा कि एक निश्चित धनराशि तय हो और तय की धनराशि ही व्यय की जाए, और बाहर से आने वाले व्यक्ति जो अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, जो दाह संस्कार के लिए आते हैं, तो उनसे एक निश्चित रेट वसूला जाए, उससे ज्यादा ना लिया जाए, जिससे वे व्यक्ति प्रताड़ित ना हो। तीर्थ नगरी ब्रजघाट गंगा जी पर आज सबकी सहमति से मीटिंग के दौरान धनराशि तय की गई है कि प्रति क्विंटल लकड़ी कितने रुपए की होगी, कितने की हवन सामग्री होगी, जो लोग दाह संस्कार करने में सहयोग करते हैं उनका क्या रेट होगा और नाविकों का क्या रेट होगा, प्रति सवारी से कितने रुपए धनराशि वसूल किए जाएंगे। सभी की सहमति के अनुसार इन सभी के रेट तय किए गए हैं और तय की गई धनराशि के अनुसार समक्ष जगह पर निर्धारित बोर्ड लगाए जाएंगे। यदि इसके अलावा किसी व्यक्ति से निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि मांगी जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उपस्थित गढ़मुक्तेश्वर उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार द्विवेदी, अधिशासी अधिकारी संजीवन राम, क्षेत्राधिकारी पवन कुमार, थाना अध्यक्ष रघुराज सिंह व ब्रजघाट चौकी प्रभारी अमित सिंह, अन्य तीर्थ पुरोहित व सभी नाविक सम्मिलित रहे।